हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर डिजिटल एक्सपोर्ट टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। सो आज के पर्टिकुलर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आप किस तरह से विंडोज़ में स्क्रीन कैप्चर कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट देखने को मिलती है स्क्रीन कैप्चर करने का, लेकिन इसमें फ्रेंड्स आपको कंप्लीट स्क्रीन कैप्चर कर पाते हैं ना एक पर्टिकुलर एरिया को स्क्रीन कैप्चर कर पाते हैं। अगर आप उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट नहीं कर पाते हैं, कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं ऐड नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ एक ऐसा एप्लीकेशन जिसमें फ्रेंड्स आप स्क्रीन को पर्टिकुलर एरिया में कैप्चर कर सकते हैं और उसमें कुछ पेंसिल का यूज कर सकते हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और भी फ्रेंड्स आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और फ्रेंड्स इस प्रोसेस को किस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, किस तरह से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप करके जान लेते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली सर्च बॉक्स में टाइप करना है लाइट शॉट। फर्स्ट वेबसाइट फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइट शॉट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से फ्रेंड्स आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या फिर विंडोज के लिए इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स ये सिस्टम विंडोज में यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं सिंपली विंडोज पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स ये डाउनलोडिंग का प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके केस में अगर मैक यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली मैक पे क्लिक करना है। डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है। आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो चुका है, आपको सिंपली यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन बटन प्रेस करेंगे और देन यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली जो भी एरिया को सिलेक्ट करना है, आप उसे कैप्चर करना चाहते हैं, उसमें एडिट करना है, आपको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आप पेंसिल का यूज कर सकते हैं, कुछ कलर का बॉक्स का यूज कर सकते हैं और टेक्स्ट आप ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से सिंपली इस इमेज को कॉपी भी कर सकते हैं, अगर आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं आप सिंपली इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप इसी एप्लीकेशन के हेल्प से आप किसी भी इमेज को कस्टम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं और उसे आप एडिट कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी कोई भी नई अपडेट होगी इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।